बॉलीवुड के गलियारों से कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि बॉलीवुड कलाकार कार्तिक आर्यन जल्दी अक्षय कुमार की भूल भुलैया के सीक्वल में नजर आ सकते हैं, जिस पर अब पक्की मोहर लग चुकी है। जहां दोस्तों टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने भूल भुलैया 2 का मोशन पोस्टर रिलीज किया है टी सीरीज में और सबके सामने रख दिया है, जिसमें कलाकार कार्तिक आर्यन चोगी का चोला पहनकर हाथ में खोपड़ी लिए नजर आ रहे हैं। फिल्म भूल भुलैया 2 के पोस्टर में कार्तिक आर्यन ने एकदम वैसा ही गेटअप धारण किया है जैसा भूल भुलैया के अंदर अक्षय कुमार ने धारण किया था। फिल्म के पोस्टर के साथ साथ निर्माताओं ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि वो अपनी फिल्म को 31 जुलाई 2020 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे। फिल्म भूल भुलैया 2 का निर्देशन नो एंट्री, रेडी, वेलकम और मुबारका जैसी फिल्म बना चुके अनीस बज्मी करने वाले हैं। फिल्म भूल भुलैया में अक्षय कुमार के साथ साथ विद्या बालन, साइनी आहूजा, अमीषा पटेल, परेश रावल, मनोज जोशी, विक्रम गोखले, राजपाल यादव जैसे कलाकार नजर आए थे। उनका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था। हालांकि भूल भुलैया 2 से न केवल अक्षय कुमार का पत्ता साफ हुआ बल्कि डायरेक्टर प्रियदर्शन की भी छुट्टी हो गई। भूल भुलैया 2 की कास्टिंग की बात की जाए तो निर्माताओं ने अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही भूल भुलैया 2 की पूरी कास्ट भी रिवील की जाने वाली है। अगर बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म के अंदर कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार जैसा रोल निभा सकते हैं या फिर वो रोल अक्षय कुमार का ही निभा सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि कार्तिक आर्यन का फिल्म के अंदर रोल कैसा रहता है। क्या वो एक भूत भगाने वाले बाबा का रोल निभाएंगे या फिर जिस तरीके से अक्षय कुमार ने एक साइकाइट्रिस्ट का रोल निभाया था वो वैसा ही रोल निभाएंगे। और दोस्तों देखना ये भी दिलचस्प रहने वाला है कि 13 साल बाद द हॉन्टिंग कॉमेडी रिटर्न्स के इस लोगों के साथ में क्या चंद्रमुखी वापस आएगी, क्योंकि अक्षय कुमार की इस लेगेसी को आगे बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। भूल भुलैया 2 सीक्वल के नाम से साफ पता चलता है कि कहानी आगे बढ़ सकती है या फिर एक नया चैप्टर भी शुरू किया जा सकता है। और पीछे अगर आप देखें इस पोस्टर के अंदर तो चंद्रमुखी का पोस्टर लगा हुआ है और चंद्रमुखी की इस पेंटिंग के साथ ही ये सिलसिला जो है यहीं पर शुरू हो जाता है कि क्या चंद्रमुखी वापस आने वाली है इसके अंदर। देखना दिलचस्प रहेगा कि फिल्म की कहानी किस तरीके से अलग रहती है। अगर कहानी सेम रही तो लोगों को इस फिल्म के अंदर इंटरेस्ट बनाए रखना काफ़ी मुश्किल रह जाएगा। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि ये मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।